सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब के औरत के सर पे जब तक दुपट्टा रहता है वहीं तक रहमत का फरिश्ता मौजूद रहता है। जब औरत अपने सर से दुपट्टा हटा ले तो रहमत का फरिश्ता वहां से चला जाता है। अब आप मुझे बताएं, जब नबी के घर में, सैयदुल अंबिया के घर में औरत के सर से दुपट्टा हट जाए तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं, तो हमारे घर में औरतें जो खुले सर फिरती है, खुले सर खाना पकाती है, खुले सर अल्लाह अकबर सारे काम अंजाम देती है, फिर रहमत के फरिश्ते हमारे घर में कैसे आएंगे? जब नबी के घर से सर से दुपट्टा हटने पर फरिश्ते चले जाते हैं तो हमारे घर में फरिश्ते कैसे आएंगे? और जब रहमत के फरिश्ते आएंगे नहीं तो अल्लाह की रहमत कैसे आएगी? फिर आप रो रही हैं, मेरा शौहर इतनी मेहनत करता है, कमाता है, बरकत नहीं होती। बरकत क्यों होगी? बेबरकती तो तेरी वजह से है। तूने सर का दुपट्टा गले में लटकाया तो उस वक्त तेरे घर में बरकत होगी कैसे? और सुन लो, आप तावीज के अंबार घर में लगा लो, कभी बरकत नहीं हो सकती, क्योंकि नहुसत तो तुम्हारे खुले सर की वजह से है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि साहिब रूहुल बयान ने लिखा है। अगर ये बात लिखी ना होती तो मेरे अंदर बयान करने की हिम्मत ना होती। नबी की मौजूदगी में औरत के सर से दुपट्टा हटे तो वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं। तुम्हें पता है ऐ खातून जन्नत की कनीजो, जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, तो आग में डालने का तरीका क्या था? उन्होंने मेंजनिक बनाई थी। मेंजनिक आप समझती हैं, जब पहले दौर में किलों पे हमले होते थे तो मेंजनिक के जरिए से पत्थर फेंके जाते थे, उन्होंने मेंजनिक बनाई थी। मेंजनिक वो थी कि आगे एक पाइप रहता था और एक रस्सा रहता था, रस्सा खींच करके छोड़ते थे तो वो जाके पाइप को लगता था, और पाइप के ऊपर जो पत्थर होता था वो जाकर के किलों को लगता था। तो सबसे पहले मेंजनिक बनी इब्राहिम अलैहि सलाम के लिए, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी आग का अलावा तैयार किया कि वो आग के करीब कोई जा नहीं सकता था। तो इब्राहिम अलैहि सलाम को डाले कैसे? तो उन्होंने मेंजनिक बनाई। तो मेंजनिक बना करके वो कई दिनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, इस तरह रस्सा खींचेंगे, छूटेगा तो इब्राहिम की पीठ को जाके लगेगा, फिर इब्राहिम जो है वो आग में चला जाएगा। लेकिन जिस वक्त इब्राहिम अलैहि सलाम का कुर्ता उतार कर उन लोगों ने मेंजनिक पर इब्राहिम अलैहि सलाम को बिठाया और रस्सा खींचा, तो अब रस्सा उनसे खिंचाता नहीं था। क्यों नहीं खिंचाता था? इसलिए कि फरिश्ते रोकर कहते, अल्लाह तेरा इब्राहिम तेरा नाम लेवा, अब वो आग में डाल दिया जाएगा, हम उसकी मदद के लिए जाना चाहते हैं। तो फरिश्ते मदद के लिए आ गए, इधर से नमरूद वाले रस्सा खींचते, उधर से फरिश्ते रस्सा खींचते, तो फरिश्तों की ताकत के सामने नमरूदी नाकाम रहे, तो वो रस्सा खींच नहीं पा रहे थे। अब वो हैरान हो गए, कई दिनों से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई दिनों से मश्क कर रहे हैं रस्सा खींचने की, अभी थोड़ी देर पहले तक के रस्सा खींच रहा था आसानी से, अब नहीं खींचता। उस वक्त एक बुढ़ा सर पे कंबल डालकर आया और उस बुढ़े ने कहा कि रस्सा क्यों नहीं खींचता? उसने उन लोगों ने कहा, ऐ बुजुर्ग पता नहीं क्यों नहीं खींचता। तो उस वक्त उस बुढ़े ने कहा, एक काम करो, 10-12 औरतों को बुला करके लाओ। 10-12 औरतें बुला कर लाई गई। उस वक्त उसने कहा, नमरूदी उस औरतों से, उस बुढ़े ने कहा, अपने सर से दुपट्टा हटा लो और अपने गले में लटका लो। तो उन लोगों ने दुपट्टा जैसे ही हटाया वो रस्सा खींच गया। वो रस्सा क्यों खींचा? इसलिए कि जब औरत सर से दुपट्टा हटा देती है तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद के जो रहमत के फरिश्ते आए थे वो दुपट्टा सर से हटने की वजह से चले गए, हालांकि वहां अल्लाह का पैगंबर मौजूद है। पैगंबर की मौजूदगी के बावजूद अगर औरतें सर से दुपट्टा हटा दें तो रहमत के फरिश्ते वहां से चले जाते हैं। तो क्या तुम्हारे घर में कोई पैगंबर है? कोई तुम्हारे घर में कोई सहाबी है? तुम्हारे घर में कोई वली है? नादानों, तुम्हारी तकलीफों का इलाज सिर्फ तुम्हारे पर्दे में है। पर्दे में रहकर देखो, फिर मेरे अल्लाह की कुदरत देखना, उसके कर...
करम की बारिशें देखना। सुनो, अल्लाह अकबर, जिनके घरों में बरकतों का नुजूल हुआ, जिनके घर से कायनात को खैरात मिली, जिनके घर से विलायत तकसीम हुई, जिनके घर से इमामत तकसीम हुई, जिनके घर से नेमतें तकसीम हुई, वो घर सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा का घर है। सैयदा फातिमा की जिंदगी देख लो। इमाम हसन मुज्तबा से किसी ने कहा, हसन तेरी मां बड़ी पाकीज़ा थी। इमाम हसन ने कहा, तूने सच कहा। जिस दिन मेरी मां का विसाल हुआ, मैं 6-7 साल का बच्चा था, उसके बावजूद भी मैंने अपनी मां के सर के बालों को कभी नहीं देखा। जो माएं अपने नन्हे बच्चों से भी अपने सर के बालों को छुपाती थी, उन घरों से खैरात तकसीम होती थी। और जो माएं अजनबी मर्दों को भी सर दिखाती है, फिर उस घर से खैरात नहीं बटती, उस घर में खैरात मांगी जाती है। कमा कर भी परेशान हो, सरों पे दुपट्टे नहीं। औरतें घर में रहती है तो यूं समझती है कि अब कौन आने वाला, और सगा भाई तो है, देवर तो है, बेटा तो है। सोचो, क्या देवर से पर्दा फर्ज नहीं? क्या बहनवे से पर्दा फर्ज नहीं? और माए कितनी मुकद्दस थी, जो बेटे से भी सर के बालों को छुपाती थी। कितना मशहूर सा वो वाकया है कि एक मरतबा अहले दिल्ली ने बाबा फरीद से कहा, फरीद बारिश बंद हो गई बाबा साहब, लोगों ने बहुत दुआएं की, बारिश नहीं होती, आप दुआ कर दें। बाबा साहब ने कपड़े का टुकड़ा निकाला, हवा में लहराकर चार जुमले भी नहीं कहे थे, बारान रहमत का नुजूल हुआ, दिल्ली जलथल हो गया। लोगों ने पूछा, बाबा साहब इस कपड़े के टुकड़े की करामत क्या है? फरमाया, ये मेरी अम्मी के दुपट्टे का टुकड़ा है। मैंने ये कहा, मेरे अल्लाह, जिस माँ के सर के बालों को कभी उसके बेटे ने भी नहीं देखा, उसी माँ के सदके बारान रहमत का नुजूल फरमा।